नमस्कार, मैं हूं यश और इस वक्त हम पहुंचे हैं मुजफ्फरनगर में। यहां पे किसान भारी संख्या में महापंचायत में पहुंच चुके हैं। अभी हमारे साथ यहां पे बठिंडा पंजाब से आए हुए किसान हैं। चलिए बात कर लेते हैं, क्या नाम है जी आपका? तृषेन चंद्र। अच्छा, आज मुजफ्फरनगर में आए हो? हाँ। किस लिए आए हैं? मोदी बारे, मोदी बेटा बैठना है, बहुत औखा करता है। आज हमें यहाँ पर रिक्वेस्ट के तहत इनवाइट किया था, जो कि महापंचायत हो रही है, ऑल इंडिया के किसान आए हैं, इसीलिए हम आए हैं। तो आप कहाँ से आए हो? हम बठिंडा पंजाब से आए हैं। अच्छा, बठिंडा से आए हो। तो क्या लगता है आज की जो महापंचायत है उससे क्या निर्णय होने वाला है? इससे कुछ संयुक्त मोर्चा है जो वो फैसले लेंगे आगे की रणनीति क्या है, और जो योगी सरकार है उसको इस कट से पता लग जाएगा कि किसानों में कितना रोष है और काले कानून रद्द जल्द से जल्द होंगे। अच्छा, कहा ये जा रहा है कि जो गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे थे कि वो नकली किसान है, ये अभी आरोप लगाया जा रहा है। कहने तो कुछ भी कह लो, ये भाजपा वाले यही तो चाहते हैं किसी हिसाब से आंदोलन फेल हो, सो कहने को तो कोई बात नहीं, कुछ भी कह लो। अच्छा, ऐसा ही है। पर पता है, आप देख ही रहे होंगे, यहाँ पर भी कहने को तो कह देंगे नकली किसान है, इतनी गर्मी में नकली किसान आएंगे। काफी भीड़ है यहाँ, देख रहे हैं करीबन 7 किलोमीटर से भी ज्यादा जाम लगा। काफी भीड़ नहीं, बहुत ज्यादा भीड़ है, क्योंकि हम गए थे वहाँ पर तो पंडाल में बैठने को जगह ही नहीं थी। कितनी अभी पंजाब से कितने मान के चले, कितने लोग आए हुए? पंजाब से हमारे वहाँ से 80 बसा एक आए हैं, और जो प्रधान के संगरूर वाले साइड से 100 बस उनकी है, लगभग 250 बस ग्राह जथेबंदी की है। पंचायत में फैसला काले कानून रद्द करन, साडे मसले हल करन, असीं आपदे घरां नूं जाइए, नहीं तां फिर जिन्ना चिर रद्द नहीं हुंदे उन्ना चिर असीं उत्थे बैठे रहांगे। दिल्ली मोर्चे च वध तों वध उत्थे किसान जांदे आ, उत्थे बैठांगे। आपको लगता है कि आज पंचायत में कुछ समाधान हो जाएगा? सरकार मानती है इस चीज़ को? मान सरकार दबेगी, जदों इतना ज़्यादा इकट्ठा है तो दबनी चाहिए किसान इसको, सरकार को डरना तो जरूरी है ना। ये तो नकली असली तो वोटा बड़ी असली बन जाता, जब यह धरने लगाता तो नकली बन जाता, जो धरने लगा तो उदो नकली बन जाता है, जो वोटा पाँगा उदो असली किसान बन जाता। बस इतना ही। अच्छा, मान ले जाए अगर सरकार इस पंचायत के बाद भी कोई निर्णय नहीं लेती, किसानों की नहीं सुनती, तो फिर अगला कदम क्या होगा किसानों का? कदम से उठते नहीं है, तो जानते नहीं है, दिल्ली धरने से जिन्ना दिन वापस नहीं करता। भाई 9 महीने से ज्यादा हो गया, अभी तक कोई भी निर्णय? हाँ, कोई निर्णय नहीं होया। 2024 तक बैठेंगे। अच्छा, हाँ 24 तक बैठेंगे। 2000 तो अगर मोदी सरकार बिल वापस ले लेती है तो फिर ये किसान अपना जो फिर बंद कर देंगे। अच्छा, कर दो सर, तेने करूँ तो किसान है। सरकार तो कह रही है कि इसको खत्म नहीं कर सकते, इसमें सिर्फ कुछ हो सकता है। नहीं जी, सानू सारा माफ करके खत्म करेंगे। अच्छा, खत्म ही होना है पूरा? हाँ हाँ, जब माफ करेंगे फिर माफ करने के फिर ही खत्म हो। तेने करूँ नहीं दफ रहे नहीं दफ रहे चलू फिर तो उतो बंद ही होगी डब्बे डब्बे बंद हो गए होगी फिर तो होया था। तो यहाँ कितने हजार लाख किसान आज 10 लाख किसान है। 10 लाख? 10 लाख। किसान बता रहे हैं कि यहाँ करीबन 10 लाख से अधिक किसान यहाँ महापंचायत में शामिल हुए हैं, और इस पंचायत से कुछ ना कुछ निर्णय जरूर निकलेगा, और सरकार को झुकना पड़ेगा किसानों के आगे कि उनके जो 3 काले कानून बिल है वो समाप्त किए जाएं।